बाय बेटा आराम से जाना गुड मॉर्निंग एवरी वन कैसे हैं सब आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और सर्दियाँ आ गई हैं देखो कैब भी निकल गई है अब मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ठंड लगती है तो इसलिए मैं कैप पैक लगा के रखती हूँ काम मेरा ख़त्म हो गया है सारा किचन का पायल कोलिज चली गई है और आज रेनू भी जल्दी आ गई थी आठ बजे तो वो भी काम करके चली गई है मैंने भी थोड़ा सा संगवाया है घर में बाकी सब हो गया आज मैं एसी को कवर करूंगी अपने क्योंकि ना इतनी धूल लगती है उन पर और कवर मैंने जो ए सी ठीक करने वाले भैया आए थे उनसे बोला था कि कवर ला दो उन्होंने कवर नहीं ला के दिए तो अब मैं सोचती हूँ कुछ देसी जुगाड़ करूँगी क्योंकि दिवाली पर काफ़ी चीज़ें मंगाई थी ना तो उनके साथ ना बबल वाली पन्नी आई थी और एक दो पन्नी मैंने और संभाल के रख रखी है तो उन्हीं से जुगाड़ करते हैं कुछ ऐसी को कवर करने का तो चलिए देखो टेप और कैची मैंने निकाल के रख रखी है तो दिखाती हूँ येरी टेप और लाइट भी चली गई है और येरी कैची तो चलिए ऊपर चलते हैं देखते हैं ऊपर धूप निकल रही है वैसे तो गर्मी लगेगी तो कैप उतार देंगे तो चलिए चलते हैं ओके ऊपर की किचन मेरे इसी काम आती है ये सब जो भी मैं स्टोरेज करना होता है इसी में करती हूँ जो भी वेस्ट होता है सब इकट्ठा कर कर करके रखती रहती हूँ और ये जो पन्नी है ना गद्दे की ये मेरे पास पिछले दस साल से है गद्दे आए थे तो उनकी पन्नी मैंने संभाल के रख रखी थी बताओ इतना भी ज़्यादा कोई संभाल कर रखता है चीज़ों को और इस काम को करने का मैं पिछले एक महीने से सोच रही हूँ तब से ए बंद हो गए थे एक महीने से भी ज़्यादा हो गया है तब से सोच रही हूँ करूँ करूँ लेकिन कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ऐसे ही होता जा रहा है यही काम ऐसा था कि हो नहीं पा रहा था पहले त्यौहार वगैरह थे फिर शादियों का सीजन चल गया फिर बाबा की बरसी वगैरह और अब फिर कितनी लगातार शादियाँ हैं एक तारीख से और चौदह दिसंबर तक के जितने भी साए हैं ना सब कार्ड हैं तो बस फिर टाइम नहीं मिलता आना जाना भी पड़ता है तो आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा आज इस काम को कर ही लेते हैं बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गया इससे ज़्यादा नहीं छोड़ते हैं रखे तो ऐसे भी रहेंगे धूल मतलब जब धूल लग जाती है तो पानी से भी धो देते हैं लेकिन कवर रहेंगे तो थोड़ा अंदर तक जाली वाली में धूल नहीं जाएगी कई बार जाली हट पाती है कई बार नहीं हट पाती सर्विस तो होती ही है खैर जब स्टार्ट करते हैं लेकिन फिर भी कवर करके रखना ठीक है और मैंने पहले इनके कवर लिए थे वो एक साल में ही मतलब जैसे इन पर ढके रहे तो क्रैक होके फट गए और फिर अब भैया आए थे मैंने बोला भी था कि भैया आप दे जाना अच्छे से कवर और कि ठीक है जी ये वो दे के ही नहीं गए अब मैंने सोचा बार बार क्या उनको फ़ोन करूँ तो इसलिए मैंने ये पन्नियाँ रखी थी इन्हीं को टेप से एडजस्ट करके और ये इसके ऊपर से मैं एक बबल वाली पन्नी लगा दूंगी इसमें एक तरफ तो प्रिंटेड पन्नी है ये जो ब्लू वाली मैंने इस पर लगाई है और एक तरफ से है थोड़ी हल्की सी प्लेन तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता धूल तो ये रोक ही देगी पानी भी रोक देगी और ऊपर से बबल वाली मैंने ढक दी है दिवाली पर जो भी मैंने डेकोरेटिव आइटम मंगाए थे ना उन्हीं की ये सब पन्नियाँ बची हुई है मैंने संभाल के रख ली थी और बस ऐसे ही ये सब हो जाएगा काम और घर में कितने काम होते हैं कहने के लिए तो सब ये कह देते हैं घर में रहते हैं हाउस वाइफ है क्या काम होते हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं कितनी ज़्यादा बिजी रहती हूँ मैं मतलब मेरे काम इतना करने के बाद भी पेंडिंग हो जाते हैं कि भाई ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ इसके लिए समय नहीं मिल रहा इसके लिए समय नहीं मिल रहा समझ नहीं आता लोग कैसे इतना टाइम निकाल लेते हैं या जो वर्किंग होती है वो कैसे करती हैं हम हा, हाउस वाइफ हैं फिर भी इतना बिजी रहते हैं और ये तो पूरा कवर हो गया अब ऊपर चलते हैं ये वाला ढकना है और फिर नीचे वाला जो विंडो में लगा है विंडो ए वो भी ढकना है और इनका जो रूम में लगे हैं उन पर भी मैं कवर लगाऊंगी तो पहले तो पौधा हटा के थोड़ी सी इसके चारों तरफ साफ़ सफाई कर देते हैं क्योंकि साफ़ सफाई होना भी बहुत ज़रूरी है और अब सर्दियाँ आ रही हैं तो पौधे ना डोरमेट में जा रहे हैं पत्तियाँ बहुत गिरा रहे हैं तो सब लगभग सभी पौधों की पत्तियाँ गिर रही हैं और यहाँ कनेर का पेड़ रखा था ना ये ये उसका फल पड़ा है और पत्तियाँ भी पड़ी हैं और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस में कंपोस्ट करती हूँ पत्तियों सूखी पत्तियों को बस कवर लगाने से पहले मैंने ऐसी साफ़ करे हैं नीचे वाला भी अच्छे से साफ़ करके लगाया है इसको भी मैं गिल्ला कपड़ा साथ साथ ही ले रही हूँ ताकि अच्छे से साफ करके तभी रखूँ क्योंकि साफ़ रखने का फ़ायदा तभी है अगर साफ़ होंगे गंदों का क्या करूँगी ढक के तो इसकी तो जाली भी हट गई थी तो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया इसको जाली लगा दूँगी वापस इसकी और फिर करते हैं इसको भी कवर अब ये पन्नी मतलब एक तरफ से तो जुड़ी हुई थी तो वो तो कट नीचे वाले पे चढ़ा दी मैंने जैसे थल्ले की तरह जो होती है इधर से ये इस तरह बची है तो इसको मैं एक साइड तो प्रिंटेड आ गई और एक साइड प्लेन है तो इसको डबल करके इसको टेप लगा दूँगी तो सारे में अच्छे से टेप लगा के कवर कर दूंगी देखो ये इस तरफ डबल आ जाएगी नीचे भी टेप लगा दूंगी और साइडों में भी टेप लगा दूंगी और इस काम में मेरे को मात्र आधा घंटा लगा तीनों ए सी पैक करने में पूरा और ये ए सी बिल्कुल हो गए हैं पैक और ये देख लो आप कि एक कवर कम से कम है साढ़े तीन सौ चार सौ रुपये का तो मिलेगा ही अब पन्निया हम इतना सामान लाते हैं पन्निया तो इकट्ठी होती रहती हैं संभाल के रख लो बड़ी बड़ी सी पन्नी जब कूलर एसी पंखे कुछ भी कवर करो अपना इनसे इसके ऊपर भी मैंने एक बबल वाली पन्नी लगा दी है ताकि ऊपर से प्रोटेक्ट देखो कितना अच्छा पैक हो गया और अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो कंपोस्ट बना रखे हैं मैंने कट्टों में जो सूखी पत्ते ना वो अब मैं उसमें ये सब आम के पत्ते वगैरह और जो पूजा में फूल निकलते हैं वो भी ये बड़ा कट्टा अब इसमें डल रहा है डेली जो डालते हैं और जो दूसरे वाले में बनकर तैयार हो रहा है देखो वो छोटा हो गया पूरा भर गया था तो अब वो नीचे चला गया है खाद बन गई ना तो थोड़ा नीचे चला गया ये भरने वाला है अब तो उसकी खाद में यूज कर लूँगी अब जब भी पौधे लगेंगे नहीं तो उसमें इस्तेमाल कर लूँगी मिट्टी की जगह देखो ये मिट्टी बन गया है सब देखो आप फूल देख सकते हैं जो ऊपर है वो थोड़े अभी रह रहे हैं नीचे की तो बन चुकी है तो इसी तरह मैं सारा वेस्ट इसी में डालती रहती हूँ कुछ भी हो तो ये है और ये इसमें अब बन रहा है इसमें अब डाल रही हूँ तो पूजा का कभी भी मैं हवन का नवरात्रों का या दिवाली का कुछ भी सामान फेंकती नहीं हूँ सब इन्हीं कट्टो में मतलब और किचन का वेस्ट भी कभी ऊपर ना हो तो कहती नहीं कि फेंक देती हूँ नहीं तो मैं उनमें ही डालती हूँ जिससे मेरा खाद बनता रहता है मिट्टी की कमी नहीं पड़ती क्योंकि मिट्टी कहाँ से लाएँ जब इतने पौधे लगाते हैं तो अब मैं नीचे आ गई हूँ और नीचे वाले ए को भी इसको क्लीन कर दिया है मैंने अच्छे से क्लीन करके इस पर भी और इसमें जो बैठक में एक वो वॉल डेकोर लगा हुआ है ना उसकी एक काफ़ी बड़ी पन्नी थी उसको मैंने कट कर लिया है देखो ये इतना बड़ा पीस हो गया है ये तो इससे कवर कर दूंगी इसे अच्छे से तो ये थोड़ी सी साइडों में जगह बची है तो मैंने सोचा इसमें पेपर लगा देती हूँ क्योंकि पन्नी मेरे पास इस समय इतनी बड़ी है नहीं तो इसको टेप लगा के मैं अच्छे से कवर कर दूँगी इसको भी और ये मेरा बिल्कुल फ्री में हो गया है डी कह सकते हैं आप या जुगाड़ कह सकते हैं देसी जीरो कोस्ट है जीरो कोस्ट कवर बन गए हैं ए के तीन चार महीने बढ़िया चलेंगे फिर पन्नी उतार के साफ करके रख लो नेक्स्ट ईयर भी काम आ जाएंगी कोई ऐसा नहीं है कि आपको फेंकनी ज़रूरी है और मेरे ए तीनों कवर हो गए हैं बिल्कुल पंटेस्टिक आप भी ऐसे ही जुगाड़ लगाइए और जुगाड़ से करिए ए को कवर कपड़े से भी कर सकते हैं पुरानी चद्दर से कर सकते हैं या पुरानी साड़ी पड़ी है उसको डबल करके कर दीजिए तो ये हो जाएंगे बस अगर बारिश वारिश है तो ऊपर की साइड थोड़ा कट्टा वगैरह रख दीजिए तो उससे भी हो जाएंगे तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और मैंने अपने तीनों ए कवर कर दिए हैं जुगाड़ से ये वाली पन्नी भी थोड़ी छोटी बढ़ गई थी तो इस पर पे पेपर लगा दिया नीचे ऊपर वाली तो कवर हो गया अच्छे से दोनों और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके बताइए ठीक है ठीके? और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ तब तक के लिए सभी को नमस्ते एंड बाय बाय